नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है न्यूज़क्लिक में। कल दिल्ली में हजारों की संख्या में नर्सेज दिल्ली और एनसीआर रीजन से राजघाट से लेकर केंद्रीय सचिवालय तक एक बड़ी मार्च करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं नर्सेज की समस्याओं पर, उनके वेतन से जुड़े आंदोलन के बारे में, और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन से कुछ सदस्य शालिनी, सचिन और विश्वजीत। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस आंदोलन में काफ़ी सेंट्रल कुछ इश्यूज हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वेतन का मुद्दा है। नर्सेज जो आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, वो वेतन के मुद्दे पे चल रहा है। तो किस तरह की डिमांड्स हैं जिन सबको आप लेकर के कल दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे? शालिनी, आप बताइए। हमारा मेन रिक्वायरमेंट यही है। हमारा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको मिला है होल इंडिया में सुप्रीम मिनिमम सैलरी 20,000 होना चाहिए। इवन द बेड कैपेसिटी 50 का नीचे है तो भी, अगर 200 बेड और इसके ऊपर है तो गवर्नमेंट नर्सेस का सेम वेजेस होना चाहिए। क्या क्या गवर्नमेंट नर्सेस को क्या क्या मिलता है, ये सारा बेनिफिट्स प्राइवेट नर्सेस को भी एलिजिबल है। तो 2 साल से हमारा नर्सेस यूनाइटेड नर्स एसोसिएशन इसके पीछे हम जा रहे हैं, फिर हमको ये नहीं मिला है, इसलिए हम लास्ट ये हमको मिलने के लिए हम सड़क तक आने के सिचुएशन बन गया। उसमें मिनिमम वेजेज जो थे उसमें ये था, क्लियरली मेंशन है 29 जनवरी 2016 को ये ऑर्डर आया था। बट उसमें क्या था कि हमारी लीगल फाइट चलती रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। बट 24 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें दिल्ली सरकार को 3 मंथ्स का टाइमिंग दिया था। उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो हॉस्पिटल 200 बेड से ज़्यादा है उसमें गवर्नमेंट के सेम इक्वल, 100 से 200 के बीच में है उसमें 10% कम है, और 50 से 100 के जो बीच में है उसमें 25% कम सैलरी, और जो 50 से कम है जिसमें एक बेड का 5-10 कितना ही भी है तो उसमें मिनिमम 20,000 फिक्स है जी। बट सरकार ने अभी तक उसकी तरफ कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो सरकार क्या है कि पूरी तरह से कितनी बार सरकार के पास गए, हमारा जो भी जो यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, जितना भी टाइम निकलता है, क्योंकि हम आरा मेन मोटो ये नहीं है कि हमारी वजह से पेशेंट्स को परेशानी हो जी। हमारा मेन मोटो ये है कि हम आपके लिए अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। जितना जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरे। बाकी कोई भी नर्सें सड़कों पर नहीं उतरना चाहती है, बस आप लोग ही मजबूर करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बिना कुछ ऐसा किए हुए अगर ये सारी चीज़ें, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन सुपर पावर है उसने जब ये ऑर्डर कर दिया है तो आप इसको लागू कीजिए ना। कल भी जो हमारी नर्सेज हैं हम सर्विस कंटिन्यू रखेंगे, हमने बिल्कुल भी सर्विस को डिसकंटिन्यू नहीं किया है। कल सिर्फ हम लोग अपनी ड्यूटी एडजस्ट करके ही आएंगे मार्च के लिए। 2-3 घंटा हम हमारा ड्यूटी आवर्स के हम लेके हम हमारा रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम सीएम सर को मिलने के लिए हम एक बार गया था, उसी टाइम सर ने एक बार हमको एक बार रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि तुम लोग है ना दिल्ली का कितना लोग है, उन लोगों को तुम लोग इतना ध्यान से देख रहे, हम इसके ऊपर कितना सेटिस्फाइड है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम रेडी है। फिर इतना टाइम तक सर ने इसके ऊपर सर ने कुछ इनिशिएटिव नहीं जैसे लिया। कि आप लोग बता रहे हैं कि सरकार का ये रवैया रहा है, अगर सरकार ने एक बार इसके ऊपर सर ने स्ट्रिक्टली सारा हॉस्पिटल में एक जो कुछ किया है तो इसके ऊपर हमको लागू कर सकता है। फिर सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि हम 1 नवंबर से हमने जंतर मंदिर में इतना पोल्यूटेड है, इतना पोल्यूशन है, और इतना वेदर मौसम इतना खराब सिचुएशन है, इसी में भी हम एक एक बंदा करके पूरा हंगर स्ट्राइक भी कर दिया। इसी टाइम भी एक बार भी सरकार की तरफ से और कोई मैनेजमेंट की तरफ से भी किसी बंदा ने हमारे पास आया नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कुछ पूछने के लिए भी है। जैसे आपको बेरुखी दिख रही है एक तरह से सरकार की तरफ से, और क्या, और आंदोलन जैसा कि आपने बताया कि आप लोग लगातार कर रहे हैं, उसके अलावा क्या आप लोगों ने कोशिशें की हैं अपनी तरफ से ताकि एक एजेंडा बने दिल्ली सरकार? हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं। हम जो है हर्षवर्धन जी से भी मिल चुके हैं, उसके बाद हम हेल्थ सेक्रेटरी से भी मिल चुके हैं, उसके बाद हम सत्येंद्र जैन से मिले हैं, और उसके बाद जो है हम एलजी से भी मिल चुके हैं। हमने सब जगह अपनी डिमांडिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी साथ में लगाई है, हमने सब जगह पे दिया है। बट कहीं से भी DGHS में भी जाके हमने बात की है, बट कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नर्सेज के फेवर में नहीं आई हैं।
और एम्स में भी जैसा कि हमने देखा था एक बड़ा नर्सिस का स्ट्राइक शुरू हो गया था, फिर उसका 3 दिन के अंदर ना गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव लेके सॉर्ट आउट हो गया. फिर प्राइवेट नर्सेस के लिए आई डोंट नो व्हाई दे आर क्लोजिंग देयर आईज. Yes, there needs to be visibility for the private nurses just as much as there is for those who are working with the government. So a very important question here is ki kis tarah ki working conditions hain, kis tarah ke circumstances mein aap sab log kaam karte hain aur kis tarah ke pressures mein aap sab log kaam karte hain, ek ye cheez janna hamare liye bahut zaruri ho jata hai. Working conditions bahut hi tough hai nursing ke favor mein, jo bhi nurses private hospital mein kaam kar rahi hai, even unko salary ke naam pe bhi bahut hi low mil rahi hai salary. और जो वर्किंग कंडीशन है, अगर एक नर्स को अगर हम NABH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी हॉस्पिटल में कंपेयर करते हैं तो एक नर्स को 4 या 5 पेशेंट देखने को मिलते हैं, बट अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक नर्स को 10 या 12 या 15 पेशेंट देखती है एक नर्स, और उसके ऊपर फिजिकली और मेंटली काम का बहुत प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है. इवन नर्स को मैटरनिटी लीव, सिक लीव, ये सब चीज़ें भी नहीं, लीव भी बहुत कम मिलती है. रिक्वायरमेंट ये स्टाफ शॉर्टेज की वजह से ऐसे मिलता है. स्टाफ शॉर्टेज मतलब इसमें ऐसे होता है क्योंकि हम जाने के टाइम शायद बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं है, बहुत सारा रीजन्स है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ नर्सेज दे आर गोइंग अब्रॉड. क्योंकि इसका रीज़न यही है, हमारा इधर अच्छा सैलरी मिलता है, अच्छा वर्किंग कंडीशन है, तो अपने फैमिली और इस छोड़ के कोई नहीं जाएगा. अभी एक स्टाफ काम कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, उस स्टाफ को जो वो जनरल वार्ड होते हैं, वार्ड के अंदर जो रेशियो होता है, वो सचिन ब्रदर ने बताया हमारे कि 10 से 15 पेशेंट को एक नर्स देख रही है, तो आपका रेशियो हो गया 15:1 हो गया. वहीं आप ICUs में देख लो पे एक नर्स होती है जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट होते हैं उनके साथ अनदर पेशेंट्स को देखती है, फिर उसके साथ जो जूनियर लोग आते हैं, जो हमारे लोग कुछ नए स्टाफ जो आते हैं, तो उनको भी उनको हेल्प करना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है एक स्टाफ के ऊपर. तो ये है कि जो अपना टाइम से, जैसे हमारा टाइम होता है सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक, तो नर्स एक आएंगे, पूरे दिन ड्यूटी करना है, उसके बाद अपने लिए टाइम नहीं बचता है. इवन काफ़ी नर्सेज ऐसे होते हैं जो कभी पानी पीने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिलता है मोस्ट प्रोबेबली. और कंडीशन ये होती है कि जूनियर स्टाफ जो हमारा है उसको भी सिखाना है, उसको भी साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि अगर एक पेशेंट को प्रॉब्लम होती है मतलब सारी नर्स को प्रॉब्लम हो रही है. तो आप काफ़ी शारीरिक और मानसिक प्रेशर्स में आप लोग काम कर रहे हैं, और ये तो काम पर जो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस है वो है. तो जब काम शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ है कि नर्सिंग जो एजुकेशन है उस पर भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से लोग काफ़ी मुश्किलों से गुजर कर अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं. तो वेतन में और जो डिफ्रेंसिएशन है ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चला सकें और जो एजुकेशन लोन्स हैं उसको भी दे सकें, तो ये कितना ज़्यादा गंभीर एक तरह से मसला है ये वेतन का. क्योंकि ये ना हमारा एक नर्सिंग कम्युनिटी में ऐसे BSc नर्स और डिप्लोमा नर्सिंग है कम्प्लीट करने के लिए मिनिमम 3-4 लाख है. 3-4 लाख कोर्स फीस ऐसे करके वी हैव टू पे द कॉलेज. इसके बाद हमारा टेक्स्ट बुक का हॉस्टल फीस है, ये तो 4 साल हम करना पड़ेगा. और इसके अलावा स्ट्रेस तो बहुत काफ़ी है, ड्यूटी आवर्स भी कंटिन्यू करना है, सेम टाइम प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल सेक्शन एक साथ हमको करना पड़ेगा. ये इतना हम करने के बाद, ये 4 साल के बाद में हम ये कोई हॉस्पिटल में काम करने के लिए आ रहे, तो अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग वेजेस है, अलग अलग वेजेस है, मतलब कोई 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 बोल रहे 12-15, और इसके अलावा इधर से उसी से भी कटिंग है, तुम्हारा ESI, तुम्हारा PEF है, तुम्हारा ये वो ऐसे करके 1000 चीज़ में वो लोग कटिंग कर रहे हैं. उसके बारे में 10 और 12 उनके हाथ में मिलता है, उसी से हमारा एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग हमको कितना है पे रिक्वायरमेंट. इसके बाद में हमारा लोन भी उसी टाइम से बैंक से पेपर आ रहे हैं, तुम्हारा लोन पूरा पेंडिंग है, वो भी हमको करना पड़ेगा. तो इसी तो एटलीस्ट 20,000 हमको मिला है, तो ये 20,000 से भी कुछ नहीं हो पाएगा. एटलीस्ट ये 20,000 बेसिक ऐसे करके मिला है, तो हमारा टू एन एक्सटेंड वी कैन मीट अवर नीड्स. तो बेसिक सैलरी, आई एम नॉट सेइंग द बेसिक सैलरी 20,000 है, इवन ए फ्रेशर्स को भी 20,000 मिला है तो उसको इसके अकॉर्डिंग उसको काम कर सकता है. किस, आप लोग भी बताइए थोड़ा कि किस तरह के जो वेतन में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना गैप हो जाता है ये सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए. देखिए एक्चुअली दिल्ली जैसी अगर सोसाइटी है, अगर हम दिल्ली में रहते हैं कहीं भी अगर आप रूम लेके भी रहोगे, रूम रेंट ही बंदे का 5-8,000 तक हो जाता है. उसमें अगर बंदे को 12,000-13,000 सैलरी मिलेगी, तो उसमें 5-8 अगर वो रेंट पे कर रहा है तो उसके पास तो अपनी डेली नीड्स को फिल करने के लिए ओनली 3-4,000 बचते हैं. फिर उसमें वो सर्वाइव कैसे करेगा बंदा.
जिसमें साथ में फैमिली को भी करना पड़ता है, अपना खुद के लिए भी देखना पड़ता है, इवन मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी है। अगर कल को कुछ हो जाते तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स को इतनी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस तरह की डिमांड्स के साथ आप लोग निकल करके कल आ रहे हैं, एक बात ये भी बताई जा रही है कि अगर वेतन में बढ़ोतरी होती है तो उसके साथ साथ एक ज़रूरी चीज़, जैसे कि आप सब लोगों ने कहा कि वर्किंग कंडीशंस में या जो क्वालिटी ऑफ केयर आप लोग दे रहे हैं या आप लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें भी एक लिंक है या एक रिश्ता है, तो उसको आप थोड़ा समझाएं। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी नर्स है, अगर वो हॉस्पिटल में काम कर रही है, उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं तब भी वो 8 आवर्स ड्यूटी कर रही है, बट अगर उसको वहीं 15 की जगह हम 60,000 रुपीज़ देकर उसको 8 आवर्स ड्यूटी कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको एक फिजिक एक मेंटली तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि उसका कि काम कर रहे, कंडीशन के थोड़े से पैसा मिल रहे, उसको पैसे मिल रहे हैं, एक अंदर से उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा और वो पेशेंट को भी अच्छे से ट्रीट करेगी और उसकी केयर और ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी, जिससे कि क्योंकि अब फैमिली का प्रेशर नहीं रहेगा, एटलीस्ट सोशो इकोनॉमिकली वो स्टेबल हो जाएगी उसकी कंडीशन, जिससे कि उसके ऊपर फिर वो मेंटली प्रेशर उधर से फैमिली की तरफ से थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो पेशेंट की केयर पे अच्छे से फोकस कर पाएगी। और जैसे कि एक और बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि रेशियो का जहाँ पर सवाल आ जाता है कि जितना वेतन अगर भी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से रेशियो भी पेशेंट्स का एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि कितने लोगों को आप देख रहे हैं। वो जनरली ऐसा होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स होते हैं, INC होता है या जो भी अपने नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारे लिए डिफरेंट क्या है कि एक पेशेंट रेशियो होता है। अपन ICUs के अंदर होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कोई ट्रांसप्लांट है या बैरियर नर्सिंग वाला जो इलाका मतलब डिपार्टमेंट होता है उसमें 1:1 का रेशियो जनरली हमारे को रखना होता है एज़ पर नॉर्म्स। और बाकी जैसे ICU हो गए तो आप 1:1 का रेशियो रखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो 1:2 कर सकते हैं, और वार्ड में अगर अपन जाते हैं तो 1:4 लास्ट एज़ पर नॉर्म्स। बट यहाँ पे जो अपन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो अपन देख रहे हैं कि एक स्टाफ है, एक स्टाफ अगर वार्ड के अंदर है वो 15 पेशेंट देखेगा, और दूसरा अगर ICUs के अंदर है, ICU के अंदर देख रहा है तो अपना एक स्टाफ है 3 पेशेंट देख रहा है, जिसमें से 2 वेंटी वाले पेशेंट भी हैं। वेंटिलेटर इन द सेंस जो पेशेंट होते हैं खुद की सांस नहीं ले पाते, उनको मशीनरी द्वारा सांस दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें। फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक स्टाफ क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश यही रहती है हमारी कि जितना हो सके क्रॉस इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, लेकिन इसके अलावा पेशेंट को अच्छे से अच्छे ट्रीट करना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पेशेंट पे ध्यान दे पाएंगे किस चीज़ की इसको नीड है, उसी की वजह से फिर पेशेंट सफ़र करता है। सपोज करो अगर हम एक पेशेंट के पास, अगर उधर से दूसरा पेशेंट हमें बुला रहा है या उसको हमारी नीड है तो हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप लोग कल आ रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे, और आज जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं नर्सेज एसोसिएशन द्वारा कि जो लोग दूसरों के केयर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनकी हकों की बात कौन करेगा। ये काफ़ी बड़ा सवाल है और दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे सभी ये लोग, और न्यूज़ क्लिक पर हम लगातार इसको कवरेज देते रहेंगे। देखते रहिएगा हमारी वीडियोज़। आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही। आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।